नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेकमान सुरेश चैनल। आज हम बात करेंगे बजाज मैक्सिमा एक्स वाइड BA6 2021 मॉडल के बारे में, जो कि एक 5 सीटर ऑटो है। इस वीडियो में आप लोग को इस गाड़ी का डिटेल प्राइस, स्पेसिफिकेशन, माइलेज और कुछ हाईलाइट्स पॉइंट के बारे में बताऊँगा, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। इसी तरह का वीडियो देखना पसंद है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलो दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। बजाज की अभी सभी ऑटो जगन्नाथ बजाज में अवेलेबल है। आप स्क्रीन पर एड्रेस को देख सकते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए बजाज मैक्सिमा एक्स वाइड का एक ओवरऑल वक्र है। बजाज मैक्सिमा एक्स वाइड एक 5 सीटर ऑटो है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं इसका ओवरऑल फ्रंट डिजाइन। तो फ्रंट में दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको BA6 का स्टिकरिंग ग्राफिक्स देखने को मिलता है, और यहाँ पर आपको बजाज मैक्सिमा का क्रोम फिनिश में बैजिंग भी देखने को मिलेगा। लाइट्स में दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिलता है नॉर्मल हैलोजन बल्ब टाइप हेडलैम्प। उसके ऊपर आपको दिया गया है इसका मल्टीफंक्शनल टर्न इंडिकेटर्स, और फ्रंट में हमें और कुछ ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलता है। इसमें आपको ब्लैक कलर में दिया गया है इसका मड फ्लैप। सस्पेंशन में सामने आपको मिलता है हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक शॉक अब्जर्वर, जो कि पीछे आपको मिलता है रबर कंप्रेशन विथ हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक शॉक अब्जर्वर। बात करते हैं टायर्स के बारे में। इसमें आपको मिलता है 10 इंच का टायर 8 प्लायर रेटिंग के साथ। दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर टायर साइज भी मेंशन किया गया है। इसका फ्रंट टायर और रियर टायर का साइज सेम है। इसका व्हील बेस है 2025 मिलीमीटर, ग्राउंड क्लियरेंस है 170 मिलीमीटर, रिडेबिलिटी है 18%। अगला पॉइंट है इसका प्राइसिंग। अभी इसका एक्सरूम प्राइस शुरू होता है 2,90,000 रुपीज़ से, और इसका अप्रोक्सीमेट ऑन रोड प्राइस है 3,30,000 रुपीज़। यदि आप इसे फाइनेंस में खरीदना चाहते हैं तो फिर आपको मिनिमम 75,000 रुपये तक देना पड़ेगा। साइड प्रोफाइल में यहां पर आपको BA6 का स्टिकरिंग ग्राफिक्स देखने को मिलता है, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा इसका डीजल का टैंक, जिसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 8 लीटर्स, और इसका डीजल का टैंक में भी आपको लॉक दिया गया है। उसके साथ बाहर आपको डीजल का बैजिंग भी देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका रियर प्रोफाइल। तो रियर में सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बजाज मैक्सिमा का स्टिकरिंग ग्राफिक्स। राइट साइड में आपको एक्स वाइड का भी स्टिकरिंग ग्राफिक्स, जबकि लेफ्ट साइड में आपको BA6 का स्टिकरिंग ग्राफिक्स इसमें आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसका नॉर्मल स्टैंडर्ड टेल लाइट्स। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि बजाज मैक्सिमा का टेल लाइट्स दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है ऑटो सेगमेंट में। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इसका इंजन। इसका इंजन को देखने के लिए सबसे पहले आपको दोनों साइड में जो दो हुक मिलता है उसे खींचने के बाद आपको देखने को मिलेगा इसका इंजन। इसमें लगा गया है बजाज का 4-स्ट्रोक कंप्रेशन इग्निशन CI फर्स्ट एयर एंड ऑयल कोल्ड BA6 डीजल इंजन, जिसका इंजन डिस्प्लेसमेंट है 470.5 cc, जो कि मैक्सिमम 8.9 hp का पावर प्रोड्यूस करता है 3400 rpm तक। और इसमें आपको मिलता है 23 Nm का टॉर्क, जो कि 2000 rpm तक प्रोड्यूस करता है। अगला पॉइंट है इसका माइलेज। कंपनी अभी इसका माइलेज क्लेम करता है 35 km/L। यदि आप इसे सिटी में चलाते हैं तो इसका माइलेज रहेगा लगभग 29 से 31 km/L, और हाईवे पर इसका माइलेज रहेगा लगभग 32 से 35 km/L। इस गाड़ी में आपको मिलता है 3 इयर्स का वारंटी 1,00,000 किलोमीटर तक। बजाज ने इसमें एक बहुत ही अच्छा काम किया है पीछे का सीट में चढ़ने के लिए। यहाँ पर आपको एक पुश स्टेप भी दिया है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इसका लगेज एरिया। अब चाहे तो इसमें कुछ सामान भी रख सकते हैं पीछे। और दोनों साइड में आपको देखने को मिलेगा 2 सीट्स, और इसका सीट दोस्तों बहुत ही कम्फर्टेबल है। और आप इसका सीट को देख सकते हैं, ये आपको सिंगल कलर में देखने को मिलेगा कम्प्लीटली ब्लैक कलर में। सेफ्टी के लिए आपको दोनों साइड में दिया गया है ग्रैब हैंडल, और इसका जो ग्रैब हैंडल है वो बहुत ही मजबूत है। दोस्तों ये कम्प्लीट 5 सीटर ऑटो है। 2 एक्स्ट्रा सीट के लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है इसमें। चलिए देखते हैं इसका मिडिल डोर सीट। तो दोनों साइड में आप देख सकते हैं, इसमें सेफ्टी के लिए आपको दिया गया है सेफ्टी डोर्स। यहाँ पर जो हुक मिलता है उसे खींचने के बाद इसका डोर ओपन हो जाता है। और दोस्तों आप इसका लेगरूम को देख सकते हैं, इसका लेगरूम बहुत ही स्पेशियस है। गाड़ी में चढ़ने के लिए नीचे एक छोटा सा फुट स्टेप भी आपको इसमें दिया गया है, और इसका लेग रूम भी बहुत ही कंफर्टेबल है। लेग स्पेस अच्छा मिलने के कारण आप पीछे 3 लोग कंफर्टेबली बिठा सकते हैं, और इसका जो पीछे का सीट है वो भी दोस्तों बहुत ही कंफर्टेबल है। इसका सीट दोस्तों आपको सिंगल कलर में देखने को मिलता है। यदि इसका सीट डुअल टोन कलर में होता तो ये देखने में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सिंगल कलर सीट या फिर डुअल टोन कलर सीट कौन सा ऑटो के लिए अच्छा होता है। और इसका जो कैनोपी है वो भी बहुत ही मजबूत है। इसमें आपको हेडरूम भी अति अच्छा मिलता है। और दोस्तों आप इसका लेगरूम को देख सकते हैं,
इसमें आपको कितना अच्छा लेग स्पेस मिलता है। और आप देख सकते हैं मेरे बैठने के बाद भी यहाँ पर कितना ज़्यादा स्पेस मिल रहा है। आप चाहे तो पीछे 2 या फिर 3 लोग को भी बिठा सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका ड्राइवर साइड। तो ड्राइवर साइड में सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसका हैंड ब्रेक, और इसके साइड में भी आपको गाड़ी के बारे में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है कंपनी की तरफ से। और इसके सीट के नीचे आपको देखने को मिलेगा इसका स्पेयर टायर, और इसका जो सीट है दोस्तों वो बहुत ही कंफर्टेबल है। और इसका सीट भी आपको सिंगल कलर में देखने को मिलता है। लॉन्ग जर्नी में ट्रैवल करने के लिए इसमें दिया गया है बैक रेस्ट, और इसका जो बैक रेस्ट है वो ऑटो सेगमेंट में सबसे बड़ा है। चलिए देखते हैं इसका राइट साइड। इस साइड में आपको देखने को मिलेगा गाड़ी खरीदते समय बोतल होल्डर, मगर इसमें अभी बोतल होल्डर लगा नहीं गया है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसका बैटरी, और यह है दोस्तों इसका सीट। और इसका जो ड्राइवर सीट का हेडरूम है वो भी आपको इसमें बहुत ही अच्छा मिलता है। और आप इसका लेग स्पेस को देख सकते हैं, इसमें आपको बहुत ही अच्छा लेग स्पेस मिलता है। बजाज ने इसमें एक और अच्छा काम किया है, आप देख सकते हैं नीचे एक छोटा सा पुश स्टेप भी दिया है। और गाड़ी में बैठने के बाद दोस्तों इसका लेग रूम आपको ऐसे दिखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको गाड़ी के और कुछ कंट्रोल जैसे कि वाइपर, लाइट्स और 4x स्विच आपको यहाँ पर दिया गया है। और इसका राइट साइड में स्पेस दिया गया है म्यूजिक सिस्टम लगाने के लिए। तो सब देख सकते हैं ये लॉकेबल है। म्यूजिक सिस्टम को लगाने के बाद आप इसे लॉक भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा फीचर है। यहाँ पर जरूरी सामान रखने के लिए आपको लॉकेबल ग्लो बॉक्स मिलता है। यदि मैं इसे ओपन करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इसमें आपको छोटा सा लॉकेबल ग्लो बॉक्स मिलता है। कुछ जरूरी सामान को इसे रखने के बाद आप इसे लॉक भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इसका वाइपर का मीटर, और गाड़ी में बैठने के बाद इसका ओवरऑल फ्रंट व्यू आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। रात में विजिबिलिटी के लिए यहाँ पर दिया गया है इसका रीडिंग लाइट्स। और दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गाड़ी का और कुछ फीचर्स। और यह दोस्तों इसका कम्प्लीटली एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। चाबी ऑन करने के बाद इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोस्तों आपको ऐसे ही देखने को मिलता है, जिसमें स्पीडोमीटर, फ्यूल गज के बारे में आप इजीली जान सकते हैं। मोबाइल चार्ज करने के लिए यहाँ पर दिया गया है 12 वोल्ट का मोबाइल चार्जिंग सॉकेट। और कुछ सामान रखने के लिए यहाँ पर भी आपको छोटा सा स्पेस मिलता है, चाहे तो यहाँ पर मोबाइल भी रख सकते हैं। यह दोस्तों इसका स्टीयरिंग हैंडल। स्टीयरिंग हैंडल में आपको गियर शिफ्टिंग के बारे में इंस्ट्रक्शन मिलता है, कितने स्पीड में कौन सा गियर देना चाहिए आप इजीली यहाँ पर जान सकते हैं। इसका जो ट्रांसमिशन है वो है 5 स्पीड, आपको इसमें मिलता है 5 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर। इसका टॉप स्पीड है 52 किलोमीटर पर आवर। और इसका स्टीयरिंग हैंडल के बीच में आपको छोटा सा LED मीटर दिखने को मिलता है। तो देख सकते हैं लाइट ऑन करने के बाद इसका मीटर आपको ऐसे दिखने को मिलेगा। ऊपर आपको एक छोटा सा स्पेस दिया गया है, चाहे तो वहाँ पर कॉइन्स भी रह सकते हैं। इसका राइट साइड में आपको दिखने को मिलता है इसका स्विच एंड कंट्रोल्स। रेड कलर में वो है इसका पुश एंड स्टार्ट बटन, येलो कलर में वो है इसका हॉर्न, और उसके साइड में आपको दिखने को मिलता है इसका लाइट एंड कंट्रोल्स। और गाड़ी में बैठने के बाद इसका डैशबोर्ड आपको ओवरऑल ऐसे ही दिखने को मिलेगा। बजाज मैक्सिमा X-Wide 5 सीटर का अभी डायरेक्टली कंपैरिजन होता है पैजियो आपे ऑटो DX 5 सीटर के साथ, क्योंकि दोनों गाड़ियों का जो सीटिंग कैपेसिटी है वो है 5 सीटर। इसी वजह से अभी दोनों गाड़ियों का ज़्यादा कंपैरिजन होता है। बहुत ही जल्द मैं दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन वीडियो आप लोगों के लिए लाने वाला हूं, इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।